और इस पूरी रेड को लेकर कारोबारी बम्मी जैन के यहाँ जो छापेमारी चल रही है, बड़ा खुलासा हुआ है। आईटी को करीब 100 करोड़ के बोगस शेयर का पता चला है। कोलकाता में सेल कंपनी के जरिए बोगस शेयर देने की जानकारी मिली है। आयकर विभाग को हवाला ट्रेडिंग का भी इस पूरे मामले में शक है और छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज मिले हैं। कुछ नकदी और जेवरात मिलने की भी खबर अब तक आ रही है। तो मामला 100 करोड़ तक पहुंच चुका है। इसके पहले पीयूष जैन के यहाँ जो छापेमारी हुई थी 157 करोड़ की बात सामने आई थी और अब जो पम्मी जैन के यहाँ कार्रवाई हो रही है उसमें 100 करोड़ तक का पता चल रहा है, जिसमें से बोगस शेयर का मामला भी सामने आ रहा है।